बच्चों आज हम समझने वाले हैं दूर और पास। दूर और पास आप जानते हैं? अच्छा बताओ यहाँ पे देखो आसपास कौन सी वस्तुएं आपसे दूर है, क्या क्या चीज़ें दूर है आपसे देखो और बताओ। उमेश बताएंगे क्या दूर है बेटा, बताओ। वो जो पंखा लगा है वो आपसे दूर है कि पास है? ये पास, दूर। पास है तो अच्छा ये बताओ ये कहाँ पे है चटाई? ये देखो यहाँ पे है, इतनी दूरी देखो, इतनी ही दूरी पे है ये चटाई। और पंखा देखो, नाप के देखो कितनी दूरी पे है, नहीं पहुँच पाओगे ना और ना ही छू पाओगे। तो वो क्या हो गया, हमसे दूर हो गया, हम उसको नहीं छू पा रहे हैं, हम उसको नहीं पहुंच पा रहे। और ये चटाई तो देखो, ये देखो ऐसे छू भी सकते हैं, है ना, पहुंच गए। तो ये चटाई कहाँ पे है, पास में, और वो पंखा कहाँ पे है, दूर, समझे। और ये वाली दीवार बताओ, दीवार दूर है। और वो देखो वो घोड़ा दिख रहा है, वो दूर है। अच्छा बताओ बेटा ये पेंसिल कहाँ पे है, पास, पेंसिल कहाँ है, पास में, उमेश के पास में है। अब किशन बताएंगे, किशन बताओ ये मार्कर कहाँ पे है, पास। और वो देखो जो चार्ट लगे हैं जानवरों के, वो कहाँ पे है, दूर है, क्योंकि वहाँ पे आप नहीं पहुँच पा रहे हो, वहाँ पहुँचने के लिए आपको चल के जाना पड़ेगा। लेकिन मार्कर तो आप यहीं से ऐसे उठा ले रहे हो, है ना, तो मार्कर हो गया पास, और वो दीवार पे लगे हुए जानवरों के चित्र हो गए दूर। तो दूर और पास समझ में आया? अब मैं यहाँ पे आपसे पूछूंगी कुछ क्वेश्चन, ठीक है। देखो यहाँ पे हमारे पास कुछ रखा हुआ है, सामान, सामान रखा हुआ है ना, तो इस सामान को मैंने ऐसे अरेंज कर दिया। और अब मैं पूछूंगी निधि से, निधि आपके पास कौन सा सामान सबसे पास है और कौन सा सबसे दूर है, ये बताना है आपको। ये कहाँ पे है, कहाँ पे है, पास है, वेरी गुड। और सबसे दूर क्या है, क्या नाम है इसका, स्टेपलर, क्या नाम है, स्टेपलर। तो ये स्टेपलर सबसे दूर हो गया और कलर सबसे पास हो गया। तो निधि ने बहुत अच्छे से बताया, निधि के लिए क्लैपिंग कीजिए। पारी है अंशु की। अब इस सामान को मैं फिर से ऐसे रखती हूँ। अब अंशु को बताना है कि अंशु के सबसे पास क्या है और दूसरे नंबर पे कौन सा सामान दूरी पे, दूसरे नंबर पे कौन पास है, पहले नंबर पे कौन पास है। अंशु क्या नाम है इसका, मार्कर, मार्कर पहले सबसे पास है, और दूसरे नंबर पे कौन सा सामान आपके पास है, दूसरे नंबर पे ग्लू है, ग्लू। अच्छा चलो ठीक है, अब बारी आई हाँ उमेश की। उमेश खुद ही कह रहा है अब बारी आई उमेश की। तो उमेश तुम बताओ तुमसे सबसे ज्यादा दूर कौन सा सामान है, नाम लेके बताओ बेटा।